हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनविजिबल ईटी ऑनलाइन क्लासेस कोटा। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम सेल थ्योरी पे बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं बता देता हूं, मैं कपिल शर्मा आपके लिए लेकर आ रहा हूं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, जो कि होगा टॉपिक वाइज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। और आप इसी तरह से थर्ड जो मे है तब तक आप अगर अपने टॉपिक्स को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में बता दीजिए कि जो भी टॉपिक आपका वीक है उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी तो 1824 तो ये एक डेट है जिसमें एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, उनका नाम था डीटोरो चैट। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, सेल का जो है सेल थ्योरी का आइडिया दिया था। दैट मीन्स उन्होंने एक बार बताया था कि सेल से एनिमल्स मिलते हैं, बनते हैं, बट इन्होंने कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दिया था। इस वजह से सेल थ्योरी का जो क्रेडिट है इनको नहीं जाता, क्रेडिट जाता है स्लीडन और स्वान को। यस, सेल थ्योरी का क्रेडिट किसको जाता है, स्लीडन एंड स्वान को। तो स्लीडन के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैथियस स्लीडन जो है 1838 की बात है, इन्होंने जो कि जर्मन के थे और इन्होंने क्या किया, जर्मन बॉटनिस्ट थे तो कई सारे प्लांट्स का इन्होंने स्टडी की और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की जब स्टडी इन्होंने कर ली तो उसके बाद इन्होंने क्या है, एक कॉन्क्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला और बताया कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह की सेल से मिलके बने होते हैं। यस, तो इनका जो ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मेंशन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये बात जो है किसने कही थी, मैथियस स्लीडन। कब कही थी, 1838 में। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये कौन से बॉटनिस्ट, मतलब किससे बिलोंग करते थे, तो बॉटनी से बिलोंग करते थे, ठीक है, मतलब जर्मन से बिलोंग करते थे और बॉटनिस्ट थे। ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट हम बाते हैं कि इसी से टाइम पे, सेम जो है टाइम पे, लगभग उसी टाइम पे 1839, वो 38 यहां पे 39, एक ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में ब्रिटिश मेंशन है लेकिन कई बुक में ये जर्मन मेंशन है ना, तो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट जिन्होंने स्टडी की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे, किस पे स्टडी की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे, और क्या बताया इन्होंने वो मायने रखता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी सेल हैं इनके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या बोला, सेल्स हैड थिन आउटर लेयर, जो कि बाद में या फिर आज जानी जाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। इज दैट क्लियर, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी लिविंग सेल हैं, एनिमल सेल की स्टडी कर ली थी और उसके बाद बताया था कि उनके ऊपर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद इन्होंने एक और बात कही थी, वो क्या कही थी और किसके बेस पे कही थी, तो इन्होंने स्टडी की थी प्लांट टिश्यू की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जूलॉजिस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट की स्टडी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर ये आपका एग्जाम में आ जाता है। कैसे कर सकता है कि ही बेस ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट किसका था, तो आंसर में आपको अगर ये मैथियस स्लीडन और स्वान दिख जाएं तो आप ये मत सोच लेना कि मैथियस स्लीडन हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये बॉटनी से बिलोंग करते, तो ऐसा नहीं है। ये बात जो है इन्होंने कही थी कि जो सेल वॉल है, तो क्या मैंने इनका पॉइंट निकल के आया, वो ये कि सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। इज दैट क्लियर, तो इन्होंने अपनी अपनी स्टडी कर दी। अब स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या है, दोनों ने एक स्टेटमेंट दिया
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सब किससे मिलके बने होते हैं? वो सब मिलके बने होते हैं सेल से और उनके प्रोडक्ट से। किससे मिलके बने होते हैं? सेल से और उनके प्रोडक्ट से। यही जो है सेल थ्योरी कहलाई। ठीक, अब बात आती है, अभी मैंने बताया कि मैथियस स्लीडन और थियोडोर स्वान ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना होता है या सेल प्रोडक्ट से मिलके बना होता है, तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था ये अधूरा था। दैट मींस कि उन्होंने जो बात कही वो तो सही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि एक सेल आती कैसे है। तो एक साइंटिस्ट थे 1858 में, रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया और कहा कि रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में 1858 में जो है एक्सटेंड किया सेल थ्योरी को, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, और वो ये कि जितनी भी सेल हैं, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जेंटिक लिविंग सेल, यानी कि जितनी भी सेल्स बनी है वो पहले अपनी पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले वाली सेल है उससे मिलके बनी होगी। यानी कि कोई भी सेल जो है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी चलती थी उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग क्या था, वॉन हेलमोंटोज इसके समर्थक थे। जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि इवोल्यूशन में पहले ये था कि एक सेल अपने आप ही बन जाती है, वॉन हेलमोंटोज इसके समर्थक थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसा नहीं था, और रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दे दिया, और ये स्टेटमेंट जो है बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन गया उस समय का, कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट बन गया उस समय का, क्योंकि स्पॉन्टेनियस थ्योरी जो थी यानी कि कोई भी जीव अपने आप बन जाता है, वो किसी भी रिलीजन को संतुष्ट करने वाली थ्योरी थी। जो जितने भी रिलीजन थे जो थे उनको संतुष्ट कर रही थी वो थ्योरी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जो भी सेल है वो ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी जितनी भी सेल है, कोई भी सेल है, वो हमेशा प्री एग्जेक्टिंग सेल से मिलके बनी होगी। लेकिन लोगों ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। अब इसी चीज को जो है एक्सपेरिमेंटली जो है लुईस पाश्चर ने 1862 में प्रूफ कर दिया कि भाई जो जो रुडोल्फ विर्चो कह रहे हैं वो सही है। तो रुडोल्फ विर्चो क्या कह रहे थे, इन्होंने कहा था कि जितनी भी सेल है या जो भी सेल है वो अपनी पहली सेल से मिलके बनी होगी। लेकिन इस स्टेटमेंट से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट चलता था वो ये था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी चलती थी। स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन वाली थ्योरी है इसको हम जो है एवोल्यूशन में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी सेल अर्थ पे है वो अपने आप आई है। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ओमिनस सेलुला ई सेलुले, है ना, ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो है इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। इसका मतलब यह था कि भाई जितनी भी सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनी होती हैं। अब इनकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तो 1862 में 1862 में जो है इसी को हम लुईस पाश्चर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। इससे पहले जो है फ्रांसिस्को रेडी ने भी प्रूफ किया था, लेकिन फ्रांसिस्को रेडी मीट एक्सपेरिमेंट अगर आप में से कई स्टूडेंट ने सुना हो, तो फ्रांसिस्को रेडी की जो बात है उसको ये कह के डाल दिया कि आपने कुछ ना कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ की है। लेकिन लुईस पाश्चर को वो ये कह के ना टाल सके, क्योंकि लुईस पाश्चर ने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने एक स्वान नेक फ्लेक्स स्वान नेक वाला जो है एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया कि इस तरह से एक फ्लैक्स लिया जो जिसकी गर्दन जो है स्वान नेक जैसी थी, मतलब जिसकी जो नेक थी स्वान जैसी यानी हंस जैसी थी, और उसमें क्या किया उन्होंने लाइफ को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी, उन्होंने क्या किया पानी में जो है एक तरह से मीट का जो सूप है वो तैयार कर दिया, और उन्होंने काफी दिन तक जो है मतलब लगभग 22-23 या फिर ये कह लीजिए कि काफी टाइम तक जो है इन्होंने उसको रखे रखा, लेकिन उसमें लाइफ जो है जनरेट नहीं हो पाई थी, लाइफ जो है बन नहीं पाई थी। क्यों नहीं बन पाई थी, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे वो यहाँ पे सेटल हो जाया करते थे, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे आ नहीं पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने जो है अपनी ग्रोथ नहीं की, तो इस वजह से कोई लाइफ नहीं बनी। और जैसे ही उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया,
तो क्या हुआ, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहां पे आराम से आ सकते थे, और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो इसमें जो है ग्रोथ होने लगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें बन गए। तो अब इस प्रैक्टिकल से ये पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि देखो भाई, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पा रहे थे या कोई सेल नहीं आ पा रही थी तो नई सेल नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए या सेल आई उस तरह से जो है, तो जैसे ही नई सेल आई तो उस सेल ने ग्रोथ की और नई सेल बन गई। दैट मीन्स कि ओमनिस सेलुला ई सेलुले जो है, जो रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और वहां से स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी है वो भी गलत साबित हो गई, जिसके बारे में हम डिटेल में इवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो अब ये जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और इनका स्टेटमेंट जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, तो जो हमारी आज की सेल थ्योरी है वो क्या कहती है, तो पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने स्वीडन एंड स्वाल्ड वाला रखा हुआ है, वो ये कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, इज दैट क्लियर। और दूसरा नया स्टेटमेंट इसमें जो ऐड हुआ वो ये है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितनी भी सेल्स हैं वो पहले की ही सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो ये बात थी सेल थ्योरी की। अब बात आती है मॉडर्न सेल थ्योरी की। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ नए चेंजेस किए गए और उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, और उसके हम जो है एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो जो है हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।